अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले कई वीर जवान आज भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए हमारे देश के चार वीर सपूत मातृभूमि के चरणों में समर्पित हुए हैं। आज देवास के हिंदू वीरों द्वारा उनके चरणों में पुष्पांजलि दी जा रही है। हम सब लोग
तलवार हिंदू जा कहते गंभीर अपराध की धाराओं के अंतर्गत थाने में केस रजिस्टर्ड हुआ है। आज 15 दिन से ऊपर उसको केस रजिस्टर्ड होने को हो चुका है। एक साधारण सी रिपोर्ट होने के पश्चात पुलिस तो उस परिवार के लोगों को सख्ती के साथ में थाने बिठा देती है और उसको गिरफ्तार करती है, परंतु इतने गंभीर अपराध में केस रजिस्टर्ड होने के पश्चात भी बाजी को गिरफ्तार न करना कहीं न कहीं सरासर देवास के हिंदू भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है। और आज उसी बात को लेकर के समस्त हिंदू समाज ने आज यहाँ पर श्रीमान एसपी साहब को ज्ञापन सौंपते हुए यह निवेदन किया है कि आप अति शीघ्र इसको गिरफ्तार करें। मैं माखन सिंह जी दादा तो हमारे सबके मार्गदर्शक है, उनसे भी कहूँगा कि अपने बात मीडिया को आज के लिए ज्ञापन के रूप में ज्ञापन देने के लिए पुलिस के पुलिस मिले थे और हमने चेतावनी दी है। चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे, जल्दी से जल्दी शीघ्र उसको अपराधी को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए। दादा आपने अभी बोला कि 15 दिन हो चुके हैं अपराध दर्ज होने के बाद भी आज नहीं पकड़े, अगला कदम क्या रहेगा? पुलिस ने आपको आश्वस्त किया है, 5-7 दिन चर्चा हुई है, 5-7-8 दिन का समय दिया है, जल्दी जल्दी गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर हम कोई ना कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी सूचना मीडिया को दी जाएगी। सन 2016 में पहले भी इसी काजी के द्वारा पेट्रोल बम लेके निकले हुए थे और इसी तरह का सारे चीजों का हमने ज्ञापन में उल्लेख कर दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय को उसको कॉपी आपको भी दी जाएगी। आज क्या चर्चा हुई आपकी? आज की चर्चा ये होगी कि एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कोई समय अवधि मांगी आपने? समय अवधि हमने 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन के अंदर आपको उसको गिरफ्तार करना होगा। ठीक, सर हिंदूवादी संगठनों ने आज सर आंदोलन किया है और ज्ञापन आपको दिया है, काजी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शहर में करीब 13-14 दिन पहले एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें धारा 307 बढ़ाई गई थी, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी को लेके समूह आया था यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिन्होंने ज्ञापन दिया है और इस पूरे मामले में पुलिस वैधानिक कार्रवाई जो हो सकती है कर रही है। इसमें आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है, उसके लिए नाम भी घोषित है और आगे उसमें जो भी वांछित प्रयास हैं वो किए जाएंगे और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ इनाम भी रखा गया है? क्या नाम? कुछ इनाम भी रखा गया है या फिर गिरफ्तार? जो फरार आरोपी है उसकी परघोषित है और पुलिस की टीमें लगातार उसमें प्रयास कर रही हैं, कई जगह पर पुलिस भी हुई है और आगे जो भी इसमें वैधानिक एक्शन बनता है वो पुलिस करेगी। सर इसे परिवार या फिर समय दिया है? सर
सात दिन बाद फिर सड़कों पर उतरेंगे, क्या कहना है? उससे कोई मतलब नहीं, कानून अपने हिसाब से काम करता है। एक समूह विशेष आया था अपने पास, तो उनकी बात सुनी गई और उनका ज्ञापन भी लिया गया है, और जो मैटर है उसमें ऑलरेडी पुलिस वैधानिक रूप से जो कार्रवाई करने के लिए बाध्य है वो कार्रवाई पुलिस कर रही है। सर, अग्रिम जमानत भी बताया जा रहा खारिज हुई है? हाँ, उक्त आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत लगाई गई थी जो खारिज हुई है, और आगे भी कई जमानत लगा था तो उसका भी पुलिस। सर, ऐसे में 2016 का भी रिकॉर्ड देखा जा रहा है इनका, तो ये पूर्व में भी दंगे में कहीं शामिल थे? पुलिस जब भी कोई न्यायालय के समक्ष पक्ष रखना होता है तो अपना जो भी रिकॉर्ड है, चीज़ें हैं, अपना जो सरकारी वकील राय देते हैं उसके अनुसार करती है, और ये पूर्णतः एक वैधानिक प्रक्रिया है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। पुलिस जांच करती है, जांच करने के बाद न्यायालय भेजती है और उस प्रक्रिया के अधीन कार्रवाई होती है। सर, पुलिस प्रयास कर रही है क्या गिरफ्तारी के लिए? हाँ, ये बात मैं कई बार बोल चुका, पुलिस प्रयास कर रही है और आगे उसमें जल्दी। सर, परिजनों से कोई पूछताछ वगैरह उनके? जो भी प्रयास होते हैं वो पुलिस कर रही है। सर, काजी सर का मामला बहुत सेंसिटिव है, पुलिस को उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। पुलिस अपना काम जानती है, किसी को पता नहीं। धन्यवाद।